इस वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करेंगे स्पेन टी10 के दोस्तों आज के मैच नंबर 1 के बारे में। स्पेन टी10 का दोस्तों आज का मैच नंबर 1 ना आपका SPH और दोस्तों CRD टीम के बीच खेला जाएगा। यह मैच दोस्तों ध्यान रखिएगा दोपहर के 1 बजे से आपका स्टार्ट होगा, ठीक ना। अब देखो दोस्तों ये जो सीरीज रहने वाला है ना, ये सीरीज दोस्तों काफी दिन चलेगा और ये सीरीज का जो फर्स्ट मैच है ना सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, क्योंकि ये दोनों टीमों का फर्स्ट मैच रहेगा तो सभी प्लेयर का रिकॉर्ड आपको जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, देखो दोस्तों ये दोनों टीम जानते हो टोटल 267 प्लेयर के साथ आ रही है। मेरे को पता नहीं दोस्तों ये लोग मैच खेलने आ रहे हैं या युद्ध करने जा रहे हैं, क्योंकि मैक्सिमम 230 प्लेयर का स्क्वाड होता है यदि हम लोग मिला दें दोनों टीमों का, लेकिन भाई लोग 67 प्लेयर के साथ ये लोग आ रहे हैं। तो आप लोगों को दोस्तों ये सभी प्लेयर का रिकॉर्ड मालूम होना और इसमें से दोस्तों अपना 11 प्लेयर स्मॉल लीग के लिए चूज करना, ग्रैंड लीग में किस पे रिस्क लेना है वो जानना, ट्रॉम कार्ड प्लेयर दोस्तों इस 67 में से कौन से आपके लिए रहेंगे। मैं बता दूं दोस्तों मैं आपके साथ टोटल 6 ऐसे ट्रॉम कार्ड प्लेयर शेयर कर रहा हूं जिनका सिलेक्शन लेवल दोस्तों 5% से भी ना कम है और ये आपका लिए बहुत बड़े गेम चेंजर बन सकते हैं। तो जो भी भाई लोग इस मैच में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वीडियो को दोस्तों पहले पूरा देखिएगा, सभी प्लेयर का रिकॉर्ड समझिएगा, फिर दोस्तों इन्वेस्टमेंट उसी के अकॉर्डिंग कीजिएगा। और इन्वेस्टमेंट दोस्तों तब कब आपको कितना करना है ये भी मैंने आगे आपके साथ वीडियो में शेयर किया है। और एक और चीज दोस्तों, टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि जो भी मैं अभी आपको स्मॉल लीग का टीम शेयर कर रहा हूँ यदि कोई प्लेयर दोस्तों नहीं खेलता है उस टीम से तो फाइनल अपडेट में आपके साथ टेलीग्राम पे फिर से शेयर कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको नीचे ही डिस्क्रिप्शन सेक्शन में भी मिल जाएगा, साथ ही साथ दोस्तों कमेंट सेक्शन में भी फर्स्ट कमेंट पिन किया हुआ मिल जाएगा, जाइए दोस्तों टेलीग्राम के साथ जुड़ जाइए। और साथ ही साथ दोस्तों यदि अभी तक आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो दोस्तों यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और सब्सक्राइब करने के बाद दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट कोशिश कीजिएगा नोटिफिकेशन का घंटी बजा दे, इससे दोस्तों आने वाली ना नेक्स्ट वीडियो का आपको इजीली नोटिफिकेशन मिल जाएगा। चलिए दोस्तों हम लोग फोकस करते हैं SPH और दोस्तों CRD के मैच में कम्बिनेशन कैसे बनाएंगे और दोस्तों इनके सभी प्लेयर का रिकॉर्ड पे भी हम लोग फोकस करते हैं कि उन्होंने T10 में कैसा परफॉर्मेंस किया है, जो प्लेयर T10 नहीं खेले तो उनका T20 में कैसा परफॉर्मेंस है, जिन्होंने T20 भी नहीं खेला है तो दोस्तों उनका ODD डेट मीन्स 50 ओवर के मैच में उन्होंने कैसा परफॉर्मेंस किया है। और ये सभी कुछ को ध्यान में रखते हुए दोस्तों ये सभी रिकॉर्ड को ध्यान में रखते हुए हम लोग अपना स्मॉल लीग और दोस्तों ग्रैंड लीग के रिगार्डिंग कम्बिनेशन पे भी फोकस करेंगे। स्टार्ट करते हैं वीडियो हम लोग विकेट कीपिंग सेक्शन से। यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन आपको आई मेदी का मिलेगा जो दोस्तों T10 में 10 मैच खेल चुके हैं जहाँ पे भाई ने बैटिंग से 83 रन स्कोर किए हैं। फिर नीचे दोस्तों आपको K20 का ऑप्शन मिलेगा जो दोस्तों T10 कभी खेले नहीं है, T20 में 4 मैच खेल के आ रहे हैं जहाँ पे बैटिंग से 83 रन स्कोर किए हैं। फिर नीचे दोस्तों आपको एम आसिफ का मिलेगा ऑप्शन जिनका विकेट कीपिंग सेक्शन से सबसे बेस्ट रिकॉर्ड है, सिलेक्शन सिर्फ 6%। रिकॉर्ड देखें तो भाई ने 13 मैच खेला है दोस्तों T20 में और इस 13 मैच में बैटिंग से 369 रन स्कोर किए हैं। फिर नीचे और भी ऑप्शन देखें तो टी साबिर का ऑप्शन मिलेगा जो दोस्तों T20 में 3 मैच खेले जहां पे बैटिंग से 10 रन स्कोर किए, कुछ खास रिकॉर्ड नहीं है दोस्तों। डब्लू मिर्जा अनदर दोस्तों बहुत अच्छा रिकॉर्ड वाला प्लेयर जिनका सिलेक्शन लेवल सिर्फ 4%। इन्होंने दोस्तों T10 खेला है, सबसे बड़ा दोस्तों इंपॉर्टेंट ये चीज है, 11 मैच इन्होंने T10 में खेला है जहां पे बैटिंग से 176 रन स्कोर किया है। तो यदि दोस्तों आप रिकॉर्ड वाइज देखोगे तो सबसे जो दो बेस्ट ऑप्शन मेरे को लग रहे हैं इस मैच में वो दोस्तों डब्लू मिर्जा और दोस्तों एम आसिफ। और डब्लू मिर्जा दोस्तों लास्ट ईयर सभी मैच में ओपन बैटिंग कर रहे थे तो इसी वजह से मैं डब्लू मिर्जा को रख रहा हूँ, क्योंकि एक तो इनका T10 का रिकॉर्ड है, T10 में ओपन बैटिंग कर रहे थे लास्ट ईयर और रिकॉर्ड भी अच्छा है। लेकिन एम आसिफ पे ध्यान रखिएगा, इनका भी रिकॉर्ड दोस्तों कम नहीं है। आ जाइए ना दोस्तों बैटिंग सेक्शन में, तो फर्स्ट ऑप्शन एनसा मस्ट इंपॉर्टेंट पिक है दोस्तों, जिन्होंने दोस्तों 39 मैच खेले T10 में जहां पे बैटिंग से 322 रन स्कोर किए हैं और 39 मैच में बॉलिंग से भी आपको 12 विकेट प्रोवाइड कर चुके हैं कंप्लीट 24 ओवर बॉलिंग करके। फिर नीचे आपको ए हुसैन का ऑप्शन मिलेगा जो दोस्तों T10 कभी भी खेले नहीं है, T20 का परफॉर्मेंस देखे तो T20 में 10 मैच खेले जहाँ पे बैटिंग से 136 रन और 10 मैच में दोस्तों बॉलिंग से 7 विकेट प्रोवाइड किया है। देखो दोस्तों ए हुसैन के साथ एक आपको एडवांटेज क्या मिलेगा कि ये बॉलिंग कर लेता है, बैटिंग ये नीचे करेगा, बैटिंग दोस्तों ये 4 नंबर पे करने आते हैं, बट आप ट्राई करना चाहते हो सिलेक्शन भी हाई है आप ट्राई कर सकते हो।
फिर नीचे आपको ए अहमद का ऑप्शन मिलेगा जो दोस्तों T10 कभी खेले नहीं है। T20 का परफॉर्मेंस देखें तो 8 मैच के लिए T20 में जहां पे बैटिंग से 117 रन और 8 मैच में 5 ओवर बॉलिंग करके 1 विकेट प्रोवाइड किए हैं। फिर नीचे दोस्तों आपको आई अहमद का ऑप्शन मिलेगा जो दोस्तों T20 में 73 मैच खेले जहां पे बैटिंग से 1529 रन स्कोर किए और 73 मैच में बॉलिंग से आपको 35 विकेट प्रोवाइड किए हैं। देखो दोस्तों ये जो प्लेयर है ना इसका मैंने रिकॉर्ड ढूंढा, ये T10 कभी खेला नहीं है लेकिन इन्होंने डोमेस्टिक लेवल पे T20 हो गया या 250 ओवर का जो मैच होता है ODD का वहाँ पे इन्होंने काफ़ी खेला है, ठीक ना। सिलेक्शन काफ़ी ज़्यादा कम है, यदि ये प्लेयर टॉप ऑर्डर में आता है डायरेक्ट आपके टीम में होने चाहिए। नीचे दोस्तों आपको एम साकिब का ऑप्शन मिलेगा जो एक मैच खेल के आ रहे हैं T20 में जहां पे बैटिंग से भाई ने 8 रन स्कोर किए हैं और बॉलिंग से 2 ओवर बॉलिंग करके आपको 1 विकेट प्रोवाइड किए हैं। फिर नीचे दोस्तों आपको ए शाह का ऑप्शन मिलेगा जो दोस्तों T10 कभी खेले नहीं है, इन्होंने दोस्तों T20 में 4 मैच खेले हैं जहाँ पे बैटिंग से दोस्तों 4 मैच में 24 रन स्कोर किए और बॉलिंग से 1 विकेट प्रोवाइड किए हैं। बहुत अच्छा तो मैं दोस्तों रिकॉर्ड नहीं बोलूंगा। फिर नीचे से दोस्तों मेरे पास ए समद का एक रिकॉर्ड है, ए समद ने दोस्तों T20 में 10 मैच खेला है जहां पे बैटिंग से भाई ने 91 रन का स्कोर किया है। एक मैं प्लेयर आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, नदीम करके आपको मिलेंगे नीचे ही दोस्तों, इन्होंने ध्यान रखना ODDD में ना बहुत अच्छा बॉलिंग किया है, बैटिंग से इनका कुछ खास रिकॉर्ड नहीं है। जो लास्ट इन्होंने 3 मैच खेला है जहाँ पे बैटिंग से सिर्फ 30 रन ही स्कोर किए हैं लेकिन इस 3 मैच में बॉलिंग से आपको 6 विकेट प्रोवाइड किए और रेगुलर 200 ODD में आपको 7 से 8 ओवर बॉलिंग कर रहे थे। तो यदि ये प्लेयर खेलता है तो आप ध्यान रखना 1 से 2 ओवर बॉलिंग कर सकता है, ना खेलेगा तो इग्नोर करके चलना, ठीक ना, वहाँ पर तो फिर कुछ सोचना ही नहीं है। नीचे से और भी प्लेयर देखे तो मेरे पास प्लेयर का दोस्तों रिकॉर्ड तो उपलब्ध है लेकिन सच बताऊँ किसी का दोस्तों ना कुछ खास रिकॉर्ड है नहीं। तो जो मैंने मेनली आपको ऑप्शन प्रोवाइड किया है ना ऊपर से जिनका रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा है बस उस पर आप फोकस करो क्योंकि प्लेयर आपको बहुत मिलेंगे दोस्तों, टोटल आप समझो ना 67 प्लेयर का स्क्वाड है। यदि मैं सभी प्लेयर का रिकॉर्ड बताऊं तो आप फालतू का कंफ्यूज हो जाओगे, तो इसलिए दोस्तों जो मैंने मेनली आपको प्लेयर का रिकॉर्ड बताया बस उसी पर आपको फोकस करना है। अदर में कोई भी न्यू प्लेयर खेलता है तो मैं उनका स्टैट्स आपको टेलीग्राम पर दे दूंगा, ठीक ना, मेरे पास स्टैट्स उनका उपलब्ध है। आ जाइए दोस्तों डायरेक्ट ऑलराउंडर सेक्शन, तो ऑलराउंडर सेक्शन में दोस्तों आपको फर्स्ट ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे ए अहमद का जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे। ए अहमद रीजन भी मैं बताता हूँ क्यों इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे ए अहमद आपके लिए। एक तो दोस्तों ए अहमद बॉलिंग बैटिंग दोनों कर लेते हैं, 14 मैच T10 में खेले हैं जहाँ पे बैटिंग से 219 रन और 14 मैच में बॉलिंग से भी आपको 8 विकेट प्रोवाइड किए हैं। फिर नीचे दोस्तों आपको ऑप्शन मिलेगा ए अख्तर का। ए अख्तर दोस्तों देखो इन्होंने T20 मैच खेला है, T10 दोस्तों ये कभी खेले नहीं है। T20 मैच में दोस्तों इनका मेरे को 4 मैचों का रिकॉर्ड मिला जहां पे 4 मैच में भाई ने बैटिंग से 72 रन स्कोर किए और बॉलिंग से आपको 2 विकेट प्रोवाइड किए 10 ओवर बॉलिंग करके। फिर नीचे येगा दोस्तों तो आपको ए समद कैप्टन के लिए बेस्ट ऑप्शन है दोस्तों। क्यों बेस्ट ऑप्शन है, तो भाई ने 46 मैच खेला है T10 में जहाँ पे बैटिंग से 362 रन स्कोर किए और 46 मैच में दोस्तों बॉलिंग से आपको 42 विकेट प्रोवाइड किए हैं। साथ ही साथ इनका जो रीसेंट मैचों का परफॉर्मेंस रहा है बहुत बेहतरीन रहा है, लास्ट जो इन्होंने 5 T20 मैच खेल के आ रहे हैं डोमेस्टिक लेवल पे वहां पर भी 5 मैच में बैटिंग से 120 रन और बॉलिंग से आपको 6 विकेट प्रोवाइड किए हैं। फिर नीचे आइएगा दोस्तों तो आपको टीम मस्जिद का ऑप्शन मिलेगा। टीम मस्जिद दोस्तों T10 कभी खेले नहीं है, T20 में दोस्तों इन्होंने रिसेंटली 8 मैच खेला है और इस 8 मैच में दोस्तों बैटिंग से आपको 96 रन स्कोर किए और बॉलिंग से आपको 3 विकेट प्रोवाइड किए हैं। फिर नीचे आइएगा दोस्तों तो आपको ए जिया का ऑप्शन मिलेगा। ए जिया दोस्तों T10 खेले हैं, ठीक ना, 17 मैच इन्होंने T10 में खेला है जहां पे बैटिंग से 225 रन स्कोर किए और 17 मैच में बॉलिंग से 14 ओवर बॉलिंग करके आपको 5 विकेट प्रोवाइड किए हैं। फिर नीचे दोस्तों आपको के परवेज का ऑप्शन मिलेगा जो दोस्तों T10 कभी खेले नहीं है, T20 भी दोस्तों इनका रिकॉर्ड मिले को मिला नहीं है लेकिन इनका दोस्तों ODD का मेरे को 2 मैचों का रिकॉर्ड मिला था जहां पे भाई ने 2 मैच में आपको बैटिंग से 44 रन स्कोर किए थे और वहीं दोस्तों 2 मैच में बॉलिंग जरूर किए थे बट दोस्तों विकेट नहीं मिला था। फिर नीचे आइएगा दोस्तों तो आपको ए रहमान का ऑप्शन मिलेगा। ए रहमान का दोस्तों राइट नाउ मेरे पास कोई भी रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है, यदि ये प्लेयर खेलता है तो मैं कोशिश करूंगा कि इनका स्टैट्स आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूं। एफ नवाज का दोस्तों मेरे पास रिकॉर्ड है, एफ नवाज दोस्तों लास्ट जो 7 T20 मैच खेले वहां पे बैटिंग से 23 रन स्कोर किए और बॉलिंग से आपको 1 विकेट प्रोवाइड किए हैं। फिर नीचे दोस्तों आपको एफ अहमद का ऑप्शन मिलेगा।
एफ अहमद का 200 रिकॉर्ड देखिए तो 7 मैच खेले 200 T20 में, जहां पे बैटिंग से 86 रन स्कोर किए और बॉलिंग से आपको एक विकेट प्रोवाइड किया है। नीचे से इम्पॉर्टेंट ऑप्शन में 200 ARF, सिर्फ 2% सिलेक्शन है लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर है दोस्तों। T10 में दोस्तों भाई ने 34 मैच खेला है, मैं T10 का बात कर रहा हूँ, जिसमें बैटिंग से भी 207 रन स्कोर किए और 34 मैच में बॉलिंग से भी 22 विकेट प्रोवाइड किए और लोग दोस्तों इनको ले नहीं रहे हैं। फिर नीचे दोस्तों आपको ए अहमद का ऑप्शन मिलेगा। ए अहमद का दोस्तों राइट नाउ देखो तो T10 का रिकॉर्ड तो है नहीं दोस्तों, T20 में भी इन्होंने सिर्फ एक मैच का ही मेरे को रिकॉर्ड मिला है, जहाँ पे भाई ने बैटिंग से 5 रन स्कोर किए थे और 7 नंबर पे ये बैटिंग करने आए थे। फिर नीचे आइएगा दोस्तों तो आपको आई सैंडल का ऑप्शन मिलेगा, जो T20 में 14 मैच खेले, जहाँ पे बैटिंग से 237 रन स्कोर किए और 14 मैच में दोस्तों बॉलिंग से आपको 7 विकेट प्रोवाइड किए हैं। फिर नीचे दोस्तों आपको ए हुसैन का ऑप्शन मिलेगा, इनका भी दोस्तों कुछ खास रिकॉर्ड नहीं है, 2 मैच खेले T20 में, जहां पे बैटिंग से सिर्फ 8 रन स्कोर किए हैं। फिर नीचे दोस्तों आपको एम अहमद का ऑप्शन मिलेगा, एम अहमद दोस्तों T10 में कभी खेले नहीं है और T20 का दोस्तों इनका रिकॉर्ड उपलब्ध कहीं भी नहीं है। मैं ऐसे कोशिश कर रहा हूँ, खेले तो मैं स्टैट्स शेयर कर दूंगा, ना खेले तो रिकॉर्ड दोस्तों है भी नहीं, ड्रॉप करके ही चलिए। फिर नीचे दोस्तों आपको एम हुसैन का ऑप्शन मिलेगा, जो दोस्तों 3 मैच खेले T20 में, जहां पे बैटिंग से भाई ने 17 रन स्कोर किया और 3 मैच में बॉलिंग से 5 विकेट लिए हैं। फिर नीचे दोस्तों आपको एम अरफान का ऑप्शन मिलेगा, एम अरफान दोस्तों T10 में 19 मैच खेले हैं लेकिन दोस्तों 19 मैच में ना इन्होंने सिर्फ 13 मैच में ही बॉलिंग किया था, जहां पे भाई ने 16 विकेट लिए थे। इन्होंने बॉलिंग कम मैच में किया है लेकिन यदि आप देखोगे तो जब भी बॉलिंग किए विकेट काफ़ी लिए, 13 मैच में 16 विकेट दोस्तों कहीं से कम नहीं है। फिर नीचे दोस्तों आपको लास्ट ऑप्शन मिलेगा आर अहमद का, जो दोस्तों 2 मैच खेल के आ रहे हैं T20 में, जहाँ पे भाई ने 2 मैच में 6 रन बैटिंग से और 2 मैच में 2 विकेट आपको प्रोवाइड किए, 4 ओवर कम्प्लीट बॉलिंग करके T20 में। आ जाइए दोस्तों इधर अब बॉलिंग सेक्शन, तो बॉलिंग सेक्शन में ए महमूद एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पिक है दोस्तों आपके लिए। ए महमूद का रिकॉर्ड भी देखें तो 6 मैच खेले T20 में, जहां पे बैटिंग से 160 रन स्कोर किए हैं और 6 मैच में बॉलिंग से आपको 11 विकेट प्रोवाइड किए, कितना कमाल का रिकॉर्ड है यार, इनको आप कैप्टन भी कर सकते हो। फिर नीचे आपको बी कुमार का ऑप्शन मिलेगा, बी कुमार दोस्तों T20 में 19 मैच खेल के आ रहे हैं, जहाँ पे बॉलिंग से 16 विकेट लिए हैं। फिर नीचे आइएगा दोस्तों तो आपको ए इमरान का ऑप्शन मिलेगा, जो दोस्तों T10 में 8 मैच खेले हैं, जहाँ पे दोस्तों 13 ओवर बॉलिंग करके आपको 8 विकेट प्रोवाइड किए हैं। फिर नीचे दोस्तों आपको के सिंह का ऑप्शन मिलेगा, जो दोस्तों 49 मैच खेल चुके हैं T10 में, जहाँ पे बैटिंग से 124 रन और 49 मैच में 213 विकेट आपको बॉलिंग से प्रोवाइड किए हैं। के सिंह को दोस्तों ध्यान रखना, जल्दी बॉलिंग मिलता नहीं है, टीम यदि वन साइडेड विन करती है तभी दोस्तों इनको बॉलिंग मिलता है, अदरवाइज दोस्तों ये बॉलिंग करते नहीं। फिर नीचे दोस्तों आपको एम साइज का ऑप्शन मिलेगा, 6% सिलेक्शन है लेकिन मैं बता दूं दोस्तों CRD टीम का जो सबसे कोई इंपॉर्टेंट बॉलर है दोस्तों ये वही है, ठीक ना, ड्रॉप कतई नहीं करना है आपको दोस्तों। 40 मैच इन्होंने T10 में खेला है, जहां पे आपको 40 विकेट प्रोवाइड किया है, लोग ले चाहे ना ले हम लोग जरूर लेंगे। फिर नीचे आइएगा दोस्तों तो आपको एस अली का ऑप्शन मिलेगा, जो 13 मैच खेले T10 में, जहां पे बॉलिंग से आपको 19 विकेट प्रोवाइड किए और सिलेक्शन लेवल कितना है दोस्तों तो सिर्फ 1%। फिर नीचे आइएगा दोस्तों तो आपको वाई रजाक का ऑप्शन मिलेगा, सिलेक्शन लेवल सिर्फ 2% लेकिन काफी इंपॉर्टेंट पिक है दोस्तों। 4 मैच इन्होंने T10 में खेला है, जहां पे 7 ओवर बॉलिंग करके 6 विकेट प्रोवाइड किया है। फिर नीचे दोस्तों आपको ए भाटी, सिलेक्शन लेवल दोस्तों 0% और रिकॉर्ड देखे ए भाटी का तो 14 मैच खेले T10 में, T10 दोस्तों मैं बोल रहा हूँ, जहाँ पे बैटिंग से भी 294 रन और 214 मैच में बॉलिंग से आपको 12 विकेट प्रोवाइड किए। यदि ऐसा रिकॉर्ड रहे तो भाई हम लोग कैसे ड्रॉप कर देंगे इनको। नीचे से दोस्तों मैं एक और बहुत बड़ा ट्रम्प कार्ड प्लेयर आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, जब दोस्तों आप नीचे आओगे ना तो आपको टी सिंह करके एक प्लेयर मिलेगा, टी सिंह नाम दोस्तों ध्यान रखना, सिर्फ सिलेक्शन लेवल आप देखो पहले तो दोस्तों 1% है और भाई का रिकॉर्ड देखो T10 में 57 मैच खेले हैं और जानते हो 57 मैच में भाई ने 59 विकेट लिया है और सभी मैच में रेगुलर 2 ओवर का बॉलिंग करते हैं और लोग क्या कर रहे हैं, ले नहीं रहे, तो हम लोग तो लेंगे ना दोस्तों रिकॉर्ड, इसलिए तो मैं बोलता हूँ रिकॉर्ड आपके लिए हमेशा दोस्तों ध्यान रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक ना। नीचे और भी ऑप्शन देखें तो और किसी का दोस्तों कुछ खास रिकॉर्ड नहीं है, एक जो सो आपको मिलेंगे यू मोहम्मद करके, इन्होंने रेगुलर T20 में बॉलिंग किया है, 10 मैच खेल के आ रहे हैं T20 में, जहां पे भाई ने बॉलिंग से आपको 6 विकेट प्रोवाइड किया है।
तो मेनली दोस्तों जो इस मैच का हम लोग का जो मैच डिसाइडिंग सेक्टर होगा ना, वो दोस्तों रहेगा आपके लिए बॉलिंग सेक्शन। क्योंकि बॉलिंग सेक्शन में दोस्तों आप देखो तो हम लोग के पास टोटल 5 बहुत बड़े ट्रम्प कार्ड प्लेयर है जिनका सिलेक्शन लेवल बहुत कम है। और राउंडर सेक्शन में भी दोस्तों एक ट्रम्प कार्ड प्लेयर है दोस्तों ए अरीब करके, तो टोटल 6 ट्रम्प कार्ड प्लेयर हम लोग के लिए दोस्तों इस मैच में उपलब्ध है। और यदि ये 6 में से दोस्तों 6 खेल जाए तो फिर आप इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करना। यदि ये दोस्तों 6 में से, ध्यान रखना, मान के चलो 1-2 ही प्लेयर खेलते तो फिर इन्वेस्टमेंट एकदम कम कीजिएगा, ठीक ना। क्योंकि मैं चाहूँगा कि हम लोग के ट्रम्प कार्ड प्लेयर खेले तभी हम लोग ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करें। अब आ जाइए दोस्तों इस मैच के रिगार्डिंग कैप्टन बी सी ऑप्शन। कैप्टन दोस्तों मैं ए सहमत के साथ जा रहा हूँ, वाइस कैप्टन दोस्तों मैं नीचे से ए आरिफ को किया हूँ। अब देखो जनता ए सहमत को कर रही है, आप ट्राई करना चाहते हो कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ए अहमद का भी रिकॉर्ड दोस्तों खराब नहीं है। और भी ऑप्शन देखिए तो एक जो मैंने नाम आपको दोस्तों बताया था बॉलिंग सेक्शन से, ए महमूद पे ध्यान रखना क्योंकि ये बॉलिंग बैटिंग दोनों ही कर लेता है। बैटिंग सेक्शन से एन साबी एक आपके लिए अच्छे ऑप्शन है, खराब ऑप्शन नहीं रहेंगे। अभी के लिए दोस्तों आप लोग इस टीम का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर दोस्तों कॉन्टेस्ट ज्वाइन करके रखिए सेम टीम से, ठीक ना। और जो मैंने आपको अभी आपको प्रेडिक्शन बताया उस पर मेन फोकस कीजिएगा, कैसे इन्वेस्टमेंट करना है वो भी मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, उस पर आपका और भी मेन फोकस होना चाहिए, ठीक ना। और टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। यदि दोस्तों बाय चांस इस टीम में से कोई प्लेयर नहीं खेलता है तो फाइनल कॉम्बिनेशन मैं फिर से आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में भी मिल जाएगा, साथ ही साथ दोस्तों कॉमेंट सेक्शन में भी फर्स्ट कॉमेंट पिन किया हुआ मिल जाएगा। जाइए दोस्तों टेलीग्राम के साथ जुड़ जाइए। और साथ ही साथ दोस्तों यदि अभी तक आपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और सब्सक्राइब करने के बाद दोस्तों सबसे इम्पॉर्टेंट कोशिश कीजिएगा नोटिफिकेशन का घंटी बजा दे, इससे दोस्तों आने वाले वीडियो का आपको इजीली नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, ठीक ना दोस्तों। तो फिर मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट T10 के वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, टेक केयर एंड बाय।